अभी ऐसे सिचुएशन अभी तकरीबन बहुत लोगों को जवान लड़कों को भगाने का उसको किडनैप करता है, उसको पाकिस्तान ले जाता है और वो बोलता है कि वो हम लोगों इनको निकाह करते हैं, दाइश के लिए निकाह करते, ताले वापस नहीं बोलते हम लोगों को निकाह करते। जवान लड़कियों की बहुत प्रॉब्लम हुई है, जवान लड़की नहीं घूम सकते। अभी अभी जब ऐसे सिंपल घूम सकते थे ना तो पता इतना, अभी फिर दोबारा बोलते कि हमारे लहंगे में वो चादरी बोलते चादरी, फिर चादरी उसको बोलते चादरी पहन लो, और उन लोगों को सिर्फ वही जुल्म फिर स्टार्ट हो जाता है। अगर गवर्नमेंट ने उसके सामने नहीं रोका, अगर कोई कंट्री उसके साथ हेल्प नहीं किया तो ऐसे कि तो फिर लड़कों का जीना हराम करता है। जवान लड़की के तकरीबन अभी भी जो मैंने सुना, बहुत लड़कियों का अगवा किया, जवान लड़कियों को बोलते कि हम आपस में निकाह करते हैं उसको इसके साथ हो, और जितना जो उसका जो पति मर चुका है वो औरतें सब हम लोगों को उसका लिस्ट दे दो, है पेपर पिक चुका है ना उसका सबका नाम दे दो, हम उसको यहाँ पैसा दे देते हैं निकाह करते हैं। हाँ, वहाँ का सिचुएशन बहुत बुरा है। लोग प्रोविंस में से आए हैं सिटी में, प्रोविंस में 10 प्रोविंस तालिबान के कब्जे में हो गया है, और गवर्नमेंट ये चाहता है कि नॉर्मल हालत वहाँ पे ना। तो सर, जिस अग्रेसिव वे से एक के बाद एक सिटी कैप्चर हो रहे हैं, उसके बाद कबूल में भी प्रोग्रेस हो रहा है, तो ये पूरा सिचुएशन को मतलब देखते हुए क्या लग रहा है आपको यहाँ से? लाइक हालात आप लोगों की वहाँ पे जो रहते हैं उनसे भी बात होती होगी? हाँ, उनसे बात होती रहती है। अभी बहुत खराब हालत चल रहा है वहाँ पे, लोग यही कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ से भाग जाए, कहीं पे जाए, या कि ईरान के साथ जाए, या ताजिकिस्तान के साथ जाए, या इंडिया साइड आ जाए, या कोई कोई पाकिस्तान के साथ जा रहा है, बट अपने जान बचाने के लिए लोग अपने घर छोड़ के, अपने सारा सामान छोड़ के भाग चुके हैं, अभी वहाँ से निकल रहे हैं। वहाँ का सिचुएशन तो अभी मेरे ख्याल से 85% जो है ना, 85% पूरा अफगानिस्तान है तालिबान ने गेन लिया, कैप्चर किया है, ठीक है, और बाकी रह गए वो जो काबुल है ना, कैपिटल ऑफ अफगानिस्तान। बस वो मैंने सुना है कि 2 दिन पहले कि अब तालिबान ने कहा है कि 1 महीने के अंदर हम वो कब्जा कर लेंगे काबुल को, तो हालत बहुत ख़राब है, लोग मर रहे हैं दिन बहुत। तो आप जिस सिचुएशन में रहे होंगे उसके बाद आप जो यहाँ पे आ गए, तो अभी तक तो होंगे आपके रिलेटिव्स वगैरह दोस्त वहाँ पे वगैरह, है, हाँ, मेरा तो अंकल वो लोग है। क्या बोलते हैं सर? अंकल है आपके? हाँ, उधर अंकल है हमारे। क्या बोलते हैं सर? वो बोलते हैं कभी बहुत हालात खराब है और काम नहीं है, बल्कि काम तो बिल्कुल चले गए, और वो जो गवर्नमेंट है ना सरकार, वो भी थोड़ा ध्यान नहीं देते लोगों पर, मतलब अपने काम पे बस लगा हुआ है, बस ये बात है। और 34 प्रोविंसेस है अफगानिस्तान का, 34 प्रोविंसेस से 2 प्रोविंस रह गए और बाकी सब तालिबान ने ले लिया है, तो अभी उम्मीद नहीं है ना कि पता चले, नहीं पता कि कब क्या होगा, नहीं होगा, कल क्या होगा।